अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन मौजूदात हैं और एक तो जाहिर है हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनको अब मैं मौसूफ़ कहकर पुकारता हूँ और मैं किसी तंज की वजह से नहीं, वैसे भी मौसूफ का लफ्ज़ कोई मायूब लफ्ज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और वो खुद अपनी जमात को खुद को सियासी तन्हाई या मैं ये कहूँ कि सियासी तबाही की जानब लेकर जा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें बहुत हद तक सदाकत है और वक्त साबित कर देगा कि अगर उनके हालात वाकयात मामलात बयानात यही रहे तो ये उनकी सियासत के लिए नेक शगुन नहीं है। और इसके अलावा एक अच्छी खबर है कि अब अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट करने के यानी दिवालिया होने के जो साए मंडला रहे थे अब वो साए हटना शुरू हो गए हैं। अच्छी खबरें आ रही हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ना ही आलमी कुवतें या आलमी मालियाती इदारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक बड़ा ताकतवर मुल्क एटमी ताकत डिफॉल्ट करे। और खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह इमरान खान ने अपने एक बयान में ये कहा था कि पाकिस्तान के एटमी जो असासे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर आप मुल्क में अफरा तफरी इंतशार की सियासत करेंगे, कोई भी अपोजिशन हो इन हालात में, तो यकीनन वो मुल्क के लिए, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जहर कातिल से कम नहीं है। इमरान खान की शख्सियत के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई इसमें माजरत की बात नहीं है, लेकिन ये एक मिसाल मैं दूंगा आपको कि इमरान खान की जो शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो एक तरबूज की मानद है। तरबूज, उसको अदवाना भी कहते हैं, हिंदवाना भी कहते हैं, पश्तों में शायद उसको हिंदवाना कहते हैं, पंजाबी में अदवाना कहते हैं, लेकिन तरबूज वाटरमेलन वो बिल्कुल उसकी मानद है उनकी शख्सियत। बाहर से बिल्कुल हरा, काटे तो एक हिस्सा थोड़ा सा सफेद और बाकी सारा लाल, ये है तरबूज की खासियत। वो तीन रंगों में पाया जाता है, जब आप बाहर से देखते हैं तो बिल्कुल हरा होता है, अंदर से वो उसकी एक तह सफ़ेद होती है, लेकिन जो उसका मेजॉरिटी जो कंपोनेंट है या जो उसका पूरा अंदर जो मवाद या मादा या आप जो भी उसको कह लें गूदा, वो लाल होता है। तो इमरान खान भी, उनकी पर्सनैलिटी बाहर से कुछ और अंदर से वो ड्यूअल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। कुछ हिस्सा उनकी पर्सनैलिटी का सफ़ेद है तरबूज की मानद, बाकी ज़्यादातर हिस्सा उनका लाल है। खुद परस्ती में वो मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, या वो एक खुद परस्त इंसान हैं, अना परस्त इंसान हैं। अपनी अना की तस्कीन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने दो अजदवाजी जिंदगियां इसी वजह से, अपने हट धर्म और ज़िद्दी मिजाज की वजह से ख़राब की। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में ज़्यादातर ना दिलचस्पी रखता हूँ, ना मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी या हालात कुछ भी हों, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, ना उसको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन चूंकि मौसूफ एक पब्लिक फिगर हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी डिस्कस होगी। अब आप, मैं उन्होंने जो हालिया दिनों में जो इकदाम किए, जो बिल आखिर उनकी पॉलिटिकल आइसोलेशन पार्टी के अंदर भी, अब वो आप यकीन कीजिए उनकी सियासी जमात के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो इस वक्त मौसूफ की पॉलिसी से नालां हैं, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं है कि वो उसका इजहार कर सके। वक्त आएगा वो जुर्रत भी पैदा हो जाएगी, जिसको जुर्रत रिंदाना कहते हैं। अब जुर्रत रिंदाना आप समझते हैं, रिंद किसे कहते हैं? मैं नोश को, शराब नोश को। वो जब मैं नोशी करता है तो उसमें बड़ी जुर्रत पैदा हो जाती है, तो इसलिए इसको जुर्रत रिंदाना कहते हैं कि जब ये लोग उस जुर्रत में आ जाएंगे तो फिर ये उनके सामने बोलेंगे भी, क्योंकि हर शख्स को अपना सियासी मुस्तकबिल अजीज है।
जिन लोगों ने ख्वाब देखा था कि उनका सियासी मुस्तकबल पीटीआई या इमरान खान के साथ वाबस्ता है, आज वो लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई उनका सियासी मुस्तकबल इस सियासी जमात के साथ महफूज है, इस सियासी जमात के कायद के साथ उनका सियासी मुस्तकबल महफूज है। हरगिज़ नहीं। क्योंकि एक छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूँ, फिर आते हैं वो तरबूज वाली मिसाल पर। छोटी सी मिसाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने तकरीबन, नवाज शरीफ ने कोई 5 मरतबा और जलसों में या अपनी वीडियो लिंक्स के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के 2 अफराद का नाम लिया, और एक मरतबा नवाज शरीफ ने तीसरे शख्स का भी नाम लिया जिसने मुबैना तौर पर, वो भी एक जनरल थे, जिसने मुबैना तौर पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज को क्रश करने की धमकी दी थी। तो लिहाजा एक उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, एक उन्होंने उस वक्त के डीजी आईएसआई का नाम लिया कि इन्होंने मुदाखलत की है इलेक्शंस में, रिगिंग की है, और फिर ये भी कहा कि ये जो आप अपने लिए सौगात लेकर आए हैं इसको आपको ही भुगतना पड़ेगा, वही हुआ। तीसरी मरतबा उन्होंने एक और जनरल साहब का नाम लिया जिन्होंने मुबैना तौर पर मरियम नवाज को धमकी दी थी कि यू विल बी क्रश्ड, समझ गए। इसके अलावा मरियम नवाज ने अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मुख्तलिफ जलसों में इन दो शख्सियात के नाम लिए, इदारों पर हरगिज तनकीद नहीं की। और वह तनकीद भी क्या थी कि यही कहती थी मरियम नवाज और नवाज शरीफ कि ये जो इदारों में जो आला ओहदों पर शख्सियात हैं ये अपने आइनी और कानूनी हदूद में रहकर काम करें, ये सियासत में मुदाखलत ना करें, ये एक की तरफदारी और दूसरे की दुश्मनी मत करें, यही उनका इस्तदलाल था। उसकी सजा वो आज दिन तक भुगत रहे हैं। अब चे जाए कि एक शख्स अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने इंटरव्यूज में तजहीक आमेज तरीके से न्यूट्रल्स गए, मैं न्यूट्रल के पास गया था, मैंने न्यूट्रल से बात की थी, मैंने उसे कहा था तुम न्यूट्रल मत रहना, और फिर अपने ही जलसों में अपने ही मुल्क की आर्मी के आर्मी चीफ को मीर जाफर गए, नवाज शरीफ ने तो मीर जाफर नहीं कहा था। और आपको यह भी याद होगा कि एक मरतबा आसिफ अली जरदारी ने इशारतन ये कहा था कि आप तो 3-3 साल के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए यहां पर हैं, हमें छेड़ेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको वो तकरीर याद है। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, 4-5 साल केसेस की सूरत में, नैब के केसेस की सूरत में, गिरफ्तारी की सूरत में, अजियत की सूरत में, उनकी बहन को गिरफ्तार किया गया, उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है या हुआ है, आज उनके भाई की हुकूमत है वो अपने वतन वापस नहीं आ सकते, मरियम नवाज के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तकरीरें बैन कर दी गई, किसी मीडिया पर उनकी तकरीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मौसूफ को तो अभी तक ये सहूलत मुयसर है, वो टेलीविजन इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं, कोर कमेटी के इजलास बुला रहे हैं, उनकी लाइव कवरेज हो रही है, लेकिन कब तक। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि आप अंदाजा कीजिए कि एक तरफ उस जमात के साथ क्या सलूक किया गया और उनके बयानात क्या थे, दूसरी तरफ कितने शदीद किस्म के इल्जामात और बयानात लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो कुछ नहीं किया जा रहा इसके पीछे भी बहुत कुछ है। अब आप ये देखते हैं ना, ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं एक एक करके, ये उनको बावर कराया जा रहा है कि जनाब ये तो ट्रेलर है, असल फिल्म पीछे बाकी है, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपकी ऑडियोज के साथ साथ ये तो आपसे मुतलका ऑडियोज है, फिर आपकी ऑडियोज मार्केट में आएंगी, फिर आपकी वीडियोज मार्केट में आएंगी, और ऐसी वीडियोज जो कोई इंसान शायद देखना भी ना चाहे। और ये भी एक चीज है कि उनको ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है, और सबको मालूम है ये जो ऑडियोज लीक होती हैं ये कोई जर्नलिस्ट नहीं कर रहा, कोई सहाफी नहीं कर रहा, कोई सिविलियन अदारे का पुलिस अफसर नहीं कर रहा, ये कहां से आती हैं, इसका इदराक है मौसूफ को, मौसूफ अच्छी तरह जानते हैं, मौसूफ की पार्टी के रहनुमा अच्छी तरह जानते हैं कि उन लोगों के पास बहुत कुछ मवाद है। और आप ये जो मैं तरबूज वाली बात कर रहा था कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और सबसे बड़ा इसका सबूत यह है कि इन्होंने अपने तमाम मौसनों के साथ बुरा सलूक किया, जिस जिस शख्स ने इनके साथ अच्छाई की उसका बदला इन्होंने बुराई से दिया।
बाकी तो मैं नाम लेता रहता हूं, लेकिन अब आप देखें ना, यही एस्टेब्लिशमेंट है, यही फौज है जो इनको तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने लेकर आए। इनका बुत तराशा गया, इनको पाकिस्तान में महान किस्म का मसीहा पेंट किया गया, दिखाया गया लोगों को, बाकी पार्टियों को चोर डाकू साबित किया गया, मीडिया पर दिन रात टॉक शोज होते थे और ये बताया गया एक ये शख्स है। यहां तक कि आईएसपीआर के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल, उस वक्त मेजर जनरल थे आसिफ गफूर, जो कि आजकल लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर हैं शायद किसी जगह पे, उन्होंने ये भी कहा था कि ये तब्दीली का साल है। और फिर जब ये मौसूफ इलेक्शन जीत गए तो फिर उन्होंने ट्वीट किया था ये हालात हैं। और वही उसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही हो गए जो इनको इक्तदार में लेकर आए थे। तो ये मौसूफ एहसान का बदला इस तरह देते हैं, कोई तरबूज वाली बात, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, कोई बयान देते हैं वो झूठ पर मबनी, हाथ में तस्बीह पकड़कर झूठ का सहारा लेते हैं और सारी कौम अब जान गई। और एक और चीज, इनकी जो ऊपर तले जो इन्होंने गलतियां की हैं, एक गलती तो ये कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, आपने तारीख से सबक नहीं सीखा। और जो शख्स पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को ललकारता है वो शख्स ये बात अच्छी तरह जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ठंडा करके खाती है। ये लाइट चली गई है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोबारा कोई बंदोबस्त किया जाए। जी हाँ, अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करती, उसके अपने तरीके होते हैं। और माजी की जो हमारी जो तारीख है ये गवाह है, कभी अदालतों के जरिए वो आपको आपकी हैसियत दिखा देते हैं, वही अदालतें हैं जिन्होंने आपको सादिक और अमीन करार दिया है। मुमकिन है वही अदालतें आपको कहें कि जनाब आप इस मुल्क पर हुकूमत करने के अहल ही नहीं है, आपका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, यू आर अनफिट टू गवर्न दिस कंट्री। मुमकिन है जो अदालत सादक और अमीन का तमगा आपके सीने पर सजा सकती है वही अदालत दूसरी जानब कोई और तमगा कल को खुदा ना करे। हम ये नहीं चाहते कि आप सियासत से बाहर हों, आप सियासत में मौजूद रहें, लेकिन आपके फैसले पर आपने कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान कर दिया और अपोजिशन को खुला रास्ता दे दिया, वो अपने मर्जी की कानून साजी कर रहे हैं। बेशक सदर मुमलिकत उन बिलों पर दस्तखत ना करें, बिल आखिर एक दिन वो बिल मंजूर हो जाएंगे, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से मंजूर हो जाएंगे। अगर आप असेंबली में बैठते तो आज आपका कद काठ बुलंद होता, लेकिन आपने दिन ब दिन अपनी अवामी पॉपुलैरिटी ग्राफ भी आप जो है वो कम कर रहे हैं, कम हो रहा है और आपको इसका एहसास है। आपने फिर लॉन्ग मार्च किया, हैफ हैजर्डली जिसे हम कहते हैं, जल्दी में एक उजलत में एक फैसला किया, जिस तरह उजलत में लॉन्ग मार्च का फैसला किया इसी तरह उजलत में लॉन्ग मार्च को खत्म करने का ऐलान किया। और जिस दिन लॉन्ग मार्च को खत्म करने का ऐलान किया उसी दिन उजलत में ये ऐलान भी कर दिया कि मैं 6 दिन के बाद दोबारा कॉल दूंगा, और वो 6 दिन आ ही नहीं रहे। आज वो 6 दिन की जगह 12-13 दिन गुजर चुके हैं। ये उजलत के जो फैसले होते हैं सियासत में नहीं, मैं पहले भी शायद आपसे कह चुका हूं, अर्ज कर चुका हूं, सियासत एक ऐसी हांडी है जिसको धीमी आंच पर आप उसकी आंच तेज करेंगे या तो वो हंडिया उसमें उसके अंदर जो कुछ है वो जल जाएगा या वो उबल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत तदबीर के साथ आपको चलना चाहिए। आपके दाएं बाएं तमाम जज्बाती किस्म के लोग मौजूद हैं जो अपने एक पाव गोश्त के लिए दूसरे की गाय या भैंस जबा करना चाहते हैं, और आप भी यही चाहते हैं। आप कहते हैं कि बस किसी तरह इक्तदार मेरे हाथ में आए, जो कि जल्द आपके हाथ में आने वाला नहीं है। आप इस बात को समझें, आप अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, आप कौमी असेंबली में जाएं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा थे, पार्लियामेंट का हिस्सा रहें, इसी में आपकी सियासी बका है। वरना आज आप ये भूल जाएं कि आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। वो जो सहूलियात आपको मुयस्सर थी, मतलूबा सहूलियात अब आपको मुयस्सर नहीं है। आप इस बात को समझिए, यह आपके हक में बेहतर है। सारे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट तजज़ियाकार आपको यही मशवरे दे रहे हैं, सारे पाकिस्तान के तजज़ियाकार आपसे ये कह रहे हैं कि जनाब टकराओ तसादम की पॉलिसी से गुरेज करें। यह ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि आपकी अपनी सियासी जमात के लिए और अपनी जात के लिए यह नुकसानदेह है। मैं सियासी हवाले से बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला आपको इस मुल्क में कायम रखे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे, इसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको
फहम व फरासत रखने वाले मुशीर अता करे, जो आपको साहिब मशवरे दे, जो इस वक्त आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, जज्बाती किस्म के मशवरे दे रहे हैं। आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जिनकी जबान से कलमाए खैर निकलना तो दूर की बात, उनकी जबान से जिस दिन गंदगी ना निकले, वो गंदगी ना उगले, शायद उनको रात को नींद नहीं आती। लेकिन लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, उस मुल्क की अक्सरियत इस चीज को पसंद नहीं करती। शायद आपको ये बातें पसंद हो, लेकिन आम आदमी तो इन चीजों को पसंद नहीं करता। हो सकता है आपके जज्बाती जो फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर दिन रात मुझ जैसे जर्नलिस्ट को जो इंडिपेंडेंटली तजिया करते हैं उनको गालियां देते हैं, हो सकता है उनको आपकी बातें, आपके मुशीरों की बातें, आपके रुफका की, आपके हवारियों की बातें पसंद आती हों, लेकिन कौम को ये बातें पसंद नहीं आती। आप एक मुदब्बर सियासतदान के तौर पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, आप तखलीए में जाएं, आप सोचें आपसे क्या गलतियां हुई हैं, आप उन गलतियों से सबक सीखें, आप कौम को बावर कराएं, हाँ हाँ मुझसे ये गलती हुई, आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगी, मेरे कौम से वादा है। मैं मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ, आप अपनी हर तकरीर से पहले ये कहें कि जी मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो आप लोग आप पर यकीन करना शुरू कर देंगे। वरना जिस तरह के हालात वाकयात हैं, तो अब जिस तरह पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात, अगर आपने अपने आप को अपनी सियासी जमात को इससे भी अलग रखा, तो ये फिर मजीद आप अपने आप को सियासी तौर पर मजीद तनहा कर देंगे। लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि यार इसी शख्स में कोई नुक्स है। जब ये हुकूमत में था तो ये अपोजिशन से हाथ में लाने या बात करने के लिए तैयार नहीं था, आज ये अपोजिशन में है और दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अकेले कुछ भी नहीं होता, अकेले कुल कोई नहीं है। और हमेशा मैं भी कहता हूँ ये टाइम टेस्टेड ये सेंग है, दुनिया भर के कब्रस्तान जो है वो नागजीर लोगों से भरे पड़े हैं। आप लोगों से मुज़ाकरात करें, लोगों से गुफ्तगू शनीद करें, उनकी बात सुने, उसको बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें। सियासत इसी का नाम है। सियासत ये नहीं है कि जी पूरे मुल्क की तमाम अपोजिशन को जेलों में डाल दिया जाए, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए खुदा न खास्ता, और आप अकेले इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। खैर ऐसा दिन आना भी नहीं, लेकिन ये वक्त है कि इमरान खान के साथी उनको समझाएं कि वो अपने आप को सियासी तन्हाई से दूर करें। और उसका यही एक वाहिद हल है कि आप असेंबलियों में जाएं, इस्तीफे वापस लें, कोई बात नहीं। असेंबलियों में अगर आपके ऊपर कोई आवाज़ें कसे जाते हैं, कोई बात नहीं, सियासत में होता है। आप तो अपने सियासी मुखालफीन को गद्दार, चोर, डाकू, क्या कुछ नहीं कहा आपने, सिर्फ माँ बहन की गाली नहीं ली, बाकी तो आपने सब कुछ कहा। और सियासतदानों को तो छोड़े हैं, आपने इस्टेब्लिशमेंट और फौज के सरबराह के बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो उसको बर्दाश्त करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।